नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो सभी भाई सोचते होंगे कि भाई मैं बीच बीच में कहाँ चला जाता हूँ, ना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ना भाई टेलीग्राम पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरे मन के मुताबिक लीक नज़र नहीं आ रही है। द 100 मैंस बेशक चल रही है, लेकिन वो मज़ा मुझे नहीं आ रहा है जो अदर लीकों में आ रहा था। सबसे बड़ी तो टाइमिंग का इशू रहता है, और सबसे दूसरी नंबर वाली बात है भाई, कुछ भी करा देते हैं ये, कुछ भी फिक्सिंग तो बहुत ज़्यादा है, भर भर के फिक्सिंग है। तो इन बातों को साइड में रख के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सभी भाइयों को। आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त के मौके पे सभी भाइयों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं हो मेरी तरफ से। आज के दिन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, वीडियो अपलोड करूँगा रेगुलर तरीके से। तो सभी भाई सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और मैं गारंटी लेता हूँ, वादा करता हूँ आप लोगों से, उन्हीं मैचेस की वीडियो अपलोड करूँगा जिन मैचेस में मुझे पता होगा कि भाई ये टीम जीत सकती है। तो ये विश्वास रखना, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी टीमें जीतेंगी हमेशा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्ड ही सबसे अच्छा है। भाई मेरे मैचेस भी फेल होते हैं। टेलीग्राम पे मेरे द 100 मैंस के मैचेस फेल हुए थे दो। मेरा मनोबल बिल्कुल टूट गया था, तभी मैंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन आज दो मैचेस मैंने चेकआउट किए हैं, काम आया है, नया काम आया है, और दोनों मैचेस बाकायदा इज्जत से बैक टू बैक जीती है हमारी टीम। पहला मैच विल्स फायर वाली टीम, वो भी हमारी टीम जीती। बारिश ना होती तो डबल ट्रिपल पैसा लेके उठे थे। और ये वाला मुकाबला जो कि रिसेंटली हुआ है, अभी सभी भाइयों ने देखा होगा, ओवल वाला मुकाबले की बात कर रहा हूँ, ये मुकाबला भी हमारी टीम जीती है। 45-46 पहले पैसे एंट्री से हमारी टीम जीती है। तो सभी भाई तैयार हो जाओ, एक नया मुकाबला आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। बर्मिंगम वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का जो कि मुकाबला खेला जाएगा 15 अगस्त 2024 को 11 बजे ये महामुकाबला आप सबको देखने को मिलेगा। तो सभी भाई देखो, वीडियो में जो बोलूं उसको फॉलो कर लेना। और मैं ग्राउंड की बात करूं तो ये मुकाबला बर्मिंगम के ही ग्राउंड में, उनके ही होम ग्राउंड में खेला जाएगा। ये बर्मिंगम का होम टाउन माना जा रहा है, और बर्मिंगम अपने ही होम ग्राउंड में जब ये मुकाबला खेल रही है तो आपको भी पता होगा कि रेट क्या चल रहा है। रेट भी बताऊंगा, मैच के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो देखो, गुरुवार को 15 अगस्त 2024 को 11 बजे ये मुकाबला बर्मिंगम के ग्राउंड में खेला जाएगा। सोनी लिप पर आप लोग देख सकते हो, फैन कोर्ट पर भी देख सकते हो, सोनी स्पोर्ट पर भी देख सकते हो। और वहीं पे मैं रेट की बात करूं तो 64-65 पैसे का रेट है, और बर्मिंगम की टीम ओपन रेट से फेवरेट है, क्योंकि इस साल बर्मिंगम की टीम थोड़ा अच्छा कर रही है तो फेवरेट भी नजर आ रही है। वहीं पे मैनचेस्टर के अभी देखा जाए तो देखो लौड़े लगे हैं, क्योंकि बर्मिंगम ऊपर है एक तरीके से अगर पॉइंट टेबल में देखा जाए। वहीं पे मैं दूसरी बात अगर मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं विनिंग परसेंटेज की, तो यहां पे बर्मिंगम का थोड़ा सा चांसेस मुझे कम नजर आ रहा है। 32% बर्मिंगम और 68% मैनचेस्टर। तो मतलब मैनचेस्टर की टीम के चांसेस विनिंग में ज्यादा दिख रहे हैं। और यहां पे पिछले 10 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, और यहां पे एक बार भी बर्मिंगम की टीम नहीं जीती है मैनचेस्टर से। जब इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले खेले जाते हैं तो यहां पे मैनचेस्टर का परला भारी नजर आता है। बेशक बर्मिंगम की टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन देखा जाए हेड टू हेड में तो यहां पे मैनचेस्टर आगे निकल रहा है, क्योंकि पिछले साल भी इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले खेले गए तो दोनों मुकाबले मैनचेस्टर की टीम जीती है। तो क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, बर्मिंगम या फिर मैनचेस्टर? तो कौन जीतेगा ये मुकाबला, बर्मिंगम जीतेगा या फिर मैनचेस्टर जीतेगा? देखो 11 बजे 15 अगस्त को ये मुकाबला आप सबको देखने को मिलेगा। 68-69 पैसे का रेट है, तो रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है मैच स्टार्ट होते होते, तो ये रेट ऊपर भी जा सकता है, ये रेट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैनचेस्टर के लौड़े लगे हैं इस साल। मैनचेस्टर और लंदन स्प्रिट, ये दो टीमें ऐसी हैं जो कि बॉटम में नजर आ रही हैं, और यहाँ पे बर्मिंगम के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि टॉप फोर पे है वो। अगर एक दो मुकाबले और जीते तो भाई फाइनल की रेस में बिल्कुल है, अभी ऐसा नहीं है कि भाई वो बाहर निकल गई है। तो कौन जीतेगा बड़ा दिलचस्प है कहना, क्योंकि आज के जो मुकाबले अगर मैं बताऊं आपका सबको, तो सबसे पहले तो देखो आप लोग जितने भी मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई हैं, जब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे तो तब तक तो उनका प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि द 100 मैंस ऐसी लीग है, यहां पे वीडियो में डाल के अगर मैं विनर देकर जाऊं और आप लोग पैसा जीत लो तो नामुमकिन है भाई। दिखाया कुछ और जाता है, कराया कुछ और जाता है। इतना दर्द भर देते हैं ये लोग कि भाई आप जीता हुआ पैसा भी ना जीत पाओगे।
आपकी टीम जीती लेकिन आप एक रुपए लेकर नहीं उठे, आप उल्टा लॉस में उठे। ऐसा होता है ये मुकाबलों में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो जीत रही है टीम आप उस पर ही बैठे हो, और कभी कभी वो जीतती हुई टीम हार जाती है। कभी कभी 10 बॉलों में 10 रन नहीं बनते, कभी कभी 10 बॉलों में भाई 40-40 रन बन जाते हैं। तो भाई जो टीम हार रही है, जैसे मान के चलो आप जीतती हुई टीम के ऊपर भाग रहे हो, बैठे हो अच्छा है, और एकदम से आपकी टीम हार गई है, तो वहां पे आपका दिमाग अगले दिन ये जाएगा कि भाई मैं ऐसा ना हो कि भाई मेरी टीम अब हार रही है तो कुछ ही पैसा बचा लो। भाई हार तो मेरी टीम रही है ऑलरेडी, लौड़े लग गए हमारी टीम के कि भाई 10 बॉलों में 30 रन अब बनने नहीं है, और वहीं से एक प्लेयर ऐसा मारेगा कि हारती हुई टीम जिसका आपने हाथ छोड़ दिया, जहां से आपने सोचा कि भाई थोड़े पैसे बचा लो यहां पे भाई कटिंग कर लो, क्योंकि भाई हमारी टीम अगर हमारे 50,000 जा रहे हैं तो वहां पे भाई 25,000 तो बच जाएंगे, तो डबल ट्रिपल करके अगर आप जीतती हुई टीम के पीछे भागे तो वो आपकी हारती हुई टीम जीत जाएगी। तो ये कराते हैं भाई। तो यहां पे अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो भाई इससे नॉलेज आपको प्रॉपर मिलेगी, लेकिन कोई टीम देकर जाऊंगा फिर वो टीम जीते हारे या फिर कुछ भी हो, क्योंकि मैच जब स्टार्ट होगा तभी मैं बता पाऊंगा आपको कि भाई कौन सी टीम जीत रही है विद एंट्री के साथ। तो टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और आपके लिए कि भाई अगर 11 बजे मैच स्टार्ट होगा तो मैच की फर्स्ट बॉल से लेके मैच की लास्ट बॉल तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। अगर मैंने यहाँ पे हेलो भेजा टेलीग्राम पे तो आपको वो हेलो, अगर मैंने ये हेलो 11 बजे भेजा तो आपको वो हेलो 11 ही बजे मिलेगा। तो आपको भी पता है अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कभी भी कुछ भी हो जाता है, बाजी पलट जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई डिले हो आप मेरे और आपके बीच में, कुछ दूरियां बने। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी भाई ऑलराउंडर फैमिली का जो ये चैनल देख रहा है तो सभी भाई ज्वाइन कर चलो। ये चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सभी भाई टेलीग्राम पर जाओ और सर्च मारो ऑलराउंडर फैमिली, जैसे ही आप सर्च करोगे मेरे नाम से कई चैनल आ जाएंगे, लेकिन मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, जिस चैनल पर मेरी वॉइस मिले वही चैनल मेरा रियल चैनल है। अगर आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आप सबको, टेलीग्राम चैनल का लिंक, जैसे कि ये लिंक है, मैं ये लिंक जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल का वहीं पर डाल दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। तो देखो मैंने तरीके बता दिए आपको, अब मैं बताता हूं आज के मुकाबले। अब आप लोग सोच रहे होगे कि काफी टाइम से मुकाबले नहीं कराए, देखो भाई मैंने मुकाबले नहीं कराए तो कम से कम अपना पैसा तो मैंने नहीं गवाया ना आपका। मैं मुकाबले करवाता 30 में 30, उसमें से लौड़े लगते आपके 20 मैच, 10 मैच आप जीतते तो भाई गालियां देते, इससे फिर मैं बुरा बनता तो भाई नहीं था मेरे पास काम तो नहीं कराया, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। तो आज 2 मुकाबले थे, पहला मुकाबला देखो मैच नंबर 30वां जो कि विल्स वर्सेस साउथन के बीच में खेला गया, विल्स फायर इस मुकाबले में जीता है और देखो 63 पैसे, और यहाँ पे तो भाई 63-65 पैसे का रेट था। मैंने बोला था कि भाई साउथन फेवरेट है खाकर आओ, और ये टीम भाई देखो आप लोग प्रॉफिट दोनों साइड बन गया था। साउथन ब्रेव जीतती तब 50,000 रुपये मिलता, विल्स जीतती तब भी 70 मिलता, लेकिन भाई पानी ने भाई इंद्र देवता भाई इतने भाई क्या बोलूँ आपसे, इतने रुष्ट क्यों चल रहे हैं कि ऐन मौके पे अगर नो डिलीवरी और डल जाती ना तो ये मुकाबला अगर अपने फेवर में आ जाता, मतलब DLS मेथड से, लेकिन नहीं डल पाई। ये मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं आया, मुकाबला रद्द कर दिया गया। दूसरा मुकाबला आया, मैंने भी बोला भाई बुक्की कब तक बचोगे तुम, दूसरा मुकाबला आया मैच नंबर 31वां ओवल के बीच में, ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में ये मुकाबला था। ओपन रेट से इस मुकाबले में ओवल की टीम 80-85 ओपन हुई, मैंने बोला खाओ। फिर दूसरी एंट्री 47-48 पैसे की मैंने कराई जबकि ओवल फेवरेट था, फिर वहां से उठ के जब 24 पैसे अपनी टीम ट्रेंट्स लग गई तब मैंने बोला लॉस कट एंड बुक सेट कर लो, क्योंकि देखो मैचेस हैं कभी भी कुछ भी बदल जाती हैं चीज़ें। तो 2 मुकाबले आज के दिन अपने रहे और पूरा मार्केट यही चीज़ों पर फंसता गया कि भाई जो फेवरेट टीम है चिपकाते चले जाओ, जीतेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई ये तो बोलना ही है कि भाई अगले मैच में मिलेंगे, सॉरी टू से हार हुई है कल कवर करेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, थोड़ा सा दिमाग में डालना ये चीज। अब मुकाबले कम बचे हैं क्योंकि इलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा लंदन में और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा लंदन में। तो ठीक है, लंदन स्प्रिट की टीम तो देखो खत्म है, एक तरीके से सबसे नीचे डली है, पिछले 8 मुकाबलों में से केवल 1 जीती है। तो वहीं पे ब्रिमिंगम और मैनचेस्टर के बीच में जो मुकाबला खेला जाना है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुकाबला वन साइडेड भी हो सकता है, क्योंकि आज के दिन 2 मुकाबले हुए, दोनों मुकाबले बड़े धमाकेदार हुए और दोनों मुकाबले वो टीमें जीती हैं जो कि भाई ऑलरेडी अनफेवरेट चल रही थी, फेवरेट नहीं चल रही थी। एक तो टीम 55-50 पैसे से ओपन हुई और एक टीम 80 पैसे से ओपन हुई, और वो टीमें जीती हैं जो कि अनफेवरेट थी, जो फेवरेट थी वो हार गई। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, पूरा मार्केट बर्मिंगम
और यहाँ पे मैनचेस्टर अनफेवरेट है और बर्मिंगम फेवरेट है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फेवरेट जो टीम है अनफेवरेट टीम के साथ जाए पूरा मार्केट। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, अब रेट क्या चल रहा है, रेट चल रहा है 66-68 पैसे। तो पूरा मार्केट यहाँ पे जब मैच स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 66-68 पैसे में खाने की एंट्री कराएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस करेगा मैनचेस्टर को और करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि मौका भी ना मिले लौट के, जो रेट में आपने एंट्री की वो वहाँ से गिरता चला जाए। और ये मुकाबले में चांसेस ऐसे भी हैं कि एक बार मैनचेस्टर की टीम फेवरेट भी आ सकती है, क्योंकि तीन मुकाबले बचे हैं और हो सकता है कि भाई ये तीन मुकाबलों में से एक जो मुकाबला महा जैकपॉट बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कौन जीतेगा ये इम्पोर्टेंट है, ना कि भाई क्या होने वाला है, जो भी होगा जैसा होगा अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलने वाला हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग भाई कमेंट करोगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई मैं विनर तो दूंगा मैं अभी, और पत्थर की लकीर, जो टीम का विनर देकर जाऊंगा वो पत्थर की लकीर होगी। और दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, कि भाई टेलीग्राम पे 11 बजे आज के दिन 15 अगस्त को आज के दिन ये मुकाबला मैं हाथ पकड़ के काम कराऊंगा, जो दो मुकाबले जैसे मैंने कराए ना हाथ पकड़ के विद एंट्री के साथ बोल के कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। जो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती ना एंट्री लेने की, ये जो आवाज़ है ना अभी बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम पे पर्सनली बोलकर एंट्री कराऊंगा। तो सभी भाइयों से केवल एक ही निवेदन है मेरा कि भाई सभी भाई जितने भी मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई, आप चाहते हो कि भाई रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे, अगर आप चाहते हो, अगर आपको आप ही के हाथों में ये दो मुकाबले तीन मुकाबले बचे हैं, आज का मुकाबला और दो मुकाबले और बचे हैं, एलिमिनेटर और फाइनल, तीन मुकाबलों में भाई तीन मुकाबले नाम कर जाऊंगा आपके बोल कर विद एंट्री के साथ। अगर आप लोग इस मुकाबले में इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा देते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो भाई ये दो मुकाबले जो आने वाले एलिमिनेटर और फाइनल का धूम मचा दूंगा, इनमें से एक महा जैकपॉट देकर जाऊंगा। तो चलिए भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सभी भाइयों से मैंने बोल दिया है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, तो सभी भाइयों के सामने मेरा YouTube चैनल दिख रहा होगा आपको, ये रहा मेरा YouTube चैनल और ये रहा सब्सक्राइब का ऑप्शन। तो यहाँ पे सब्सक्राइब भैया ठोक दो भाई, ऐसा चैनल आपको मिलने वाला नहीं है। नपी तुली बातें करते हैं लोग बाग, बस केवल अपने काम से काम वाली, मैं यहाँ पे खुल के बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि भाई लिख के मैंने आपको पहले लिखा है फिर मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, कौन जीतेगा ये मुकाबला, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ऑलरेडी आप लोग इतना बड़ा वीडियो देखोगे नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग बोर हो जाओ। तो कौन जीतेगा ये मुकाबला, तो साफ साफ मैंने आपको बताया है, तो ये जाल हो सकता है बुकियों का कि भाई इस रेट में आप लोग एंट्री करते चलो और एक बार भी मौका ना मिले कि मैनचेस्टर की टीम फेवरेट आए। जो भी होगा जैसा भी होगा, लेकिन जो फाइनल मैच का विनर है वो बर्मिंगम की टीम है, क्योंकि बर्मिंगम ऊपर जाएगा और ये जो मैनचेस्टर की टीम है जो कि बॉटम में लगी है, ये बॉटम में लगी ही रह जाएगी, ये ऊपर नहीं आएगी। लंदन स्प्रिट और मैनचेस्टर ने बहुत पैसा गवाया है पंटरों का इस सीज़न में, क्योंकि उम्मीदें लगाई पंटर ने कि आज जीतेगी, लेकिन इन्होंने पूरी उम्मीदों पर मट्टी डाल दी और आज के दिन भी ये मट्टी डाल देंगे। तो बच के रहना है आप सबको इस मैच में, मैं आपको हाथ पकड़ के एंट्री कराऊंगा, क्योंकि ये जो रेट चल रहा है 67-68 ना तो ये लगाने का है ना मैं खाने का बोलूँगा। खाने का तो मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको खाने का बोल दिया तो हो सकता है कि मैच में आप फंस भी सकते हो। तो देखो अगर रेट ऊपर आता है और इस मुकाबले में मैनचेस्टर की टीम अगर 80 पैसे भी लग जाती है फेवरेट, तो यहाँ पे एंट्री कर लेना आप लोग। बर्मिंगम जीतेगा ये मुकाबला, बर्मिंगम, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बार बार बोलूँगा, बर्मिंगम जीतेगा। फाइनल मैच का विनर होगा द 100 मैंस के मैच नंबर 32 का जो विनर होगा BIRMINGHAM बर्मिंगम होगा, ठीक है। मैं बोलकर जा रहा हूँ, अगर कुछ भी अपडेट में चेंजेस होती हैं तो आपको भी पता है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको वो अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी भाई खुश रहो, अपना ख्याल रखो, और भाई 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को बधाइयां हो। और जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई YouTube चैनल जो बताया था ना मैंने आपको, जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब ठोक देना। अगर चैनल पे आ गए हो गलती से तो सब्सक्राइब ठोक देना। काम अगर चेकआउट करना हो मेरा तो टेलीग्राम पे भाई सालों साल पुराना काम डला है, सालों साल पुराना, 2020 का IPL मिल जाएगा, 21 का मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आप लोग पहले देख लो,
तब मुझे अगर लगे आप लोगों को कि भाई सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लेना आप लोग, ठीक है। चलता हूँ, ख्याल रखो सभी भाई।